हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलरुबा किचन हिंदी में। आज हमारे किचन में बनने वाली है मूली के साग। अक्सर क्या होता है कि मूली को तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन इसका साग जो है उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद आप पक्का इसे फेंकना नहीं चाहेंगे। बहुत चटपटी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है मूली के साग, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए हम बनाते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल से भी बना सकते हैं। सरसों के ऑयल से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सरसों के ऑयल से ही इसे बनाएं। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुकी है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ऐड किया है। जीरा जब अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ। इस सबको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे पहले। इसका लहसुन का जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से आ जाता है, तो इससे अच्छे से साग टेस्ट बनता है। उसके बाद ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पे लंबे शेप में काटा है, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इस सबको हम हल्का सा पका लेंगे। प्याज को हल्के से सॉफ्ट या गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो प्याज को पकने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है, तो इसे आराम से पकने दें। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज हो गया है, बस ये लगभग हो चुकी है। तो अब इसमें हम मूली ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3-4 मूली थी जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस सबको हम डाल देंगे पहले, अच्छे से इस सबको मिला देंगे। मूली को हम हल्के सा ऑयल के साथ प्याज के साथ अच्छे से पकाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मिर्ची, लाल मिर्ची है साबुत लाल मिर्च, इस सबको हम ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा सौंधा सा एक मिर्च का टेस्ट आ जाता है, तो इसको हम ऐड करके ढक्कन कवर करके हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ मूली भी हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इस सबको क्या करेंगे, मिला देंगे अच्छे से। इसे मिला के उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक बड़े साइज का, जिसे मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। टमाटर को भी हम अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रहे टमाटर को हमें यहाँ रफली चॉप करके ही डालना, ना तो टमाटर की प्यूरी डालना है, ना इसे टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके भी उसका पेस्ट बना के भी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसकी सूखी मतलब सब्जी बनाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिए हैं। उसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच, इस सबको ऐड करके मिला देंगे। बस इसमें कुछ मसाले ऐड नहीं करने, सिर्फ मैंने यहाँ पर हल्दी नमक और लाल मिर्च डाला है, इस सबको हम मिला देंगे। इसमें और कोई मसाले भी नहीं डालने हैं, कोई स्पेशल मसाले की ज़रूरत भी नहीं है, बस बहुत ही अच्छी बनती है, घर के कुछ मसालों से ही बन के तैयार हो जाती है और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर हम इसमें डाल देंगे साग, जो मूली का साग था उसे मैंने अच्छे से काट के धो लिया है, इस सबको हम ऐड कर देंगे। इस तरह से एक बार जरा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी और इतनी मतलब कि हर बार इस तरह से आप बनाएंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि साग को फेंके। तो हम ढक्कन इसका कवर कर देंगे और हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे। ध्यान रहे इसे हम लो फ्लेम में छोड़ेंगे, इससे क्या होगा कि मूली जो है अपना हल्का सा मॉइस्चर जो है वो छोड़ने लगेगा, इससे जो टमाटर है मूली है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो साग भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे हम लगातार भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसे बहुत ही अच्छा सा, जब तक पानी जो है इसका ख़त्म ना हो जाए तो तब तक हम इसे भूनेंगे। तो इसका मॉइस्चर पूरा अच्छे से ख़त्म हो चुका है और अच्छे से चिपकने लग गया है कढ़ाई में। तो बस ये लगभग हमारी हो चुकी है, लेकिन 1-2 मिनट के लिए हम इसे और चलाएँगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हमें लग रही है कि नहीं हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है इसका और देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सर्व कर लेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी बनती है ये, एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। और आपकी फैमिली को तो इतनी पसंद आएगी मत पूछिएगा, हर बार आप चाहेंगे किसी तरह से बनाएं। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है, मतलब देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। इसे आप दाल चावल के साथ खाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। पर्सनली मैं इसे दाल चावल के साथ रिफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे दाल चावल के साथ इसे बहुत खाना पसंद है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत ही परफेक्ट लगता है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको आज का ये रेसिपी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
तो फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।